ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो गाइस, क्या हाल आप लोगों के। मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाल बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन और माई लेटेस्ट वीडियोज़। इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, फैबमैटिक्स और इंसाइडर बॉक्स। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एज यू ऑलवेज डू। अनुभव सिंह बासी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है डे बाय डे एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। कुछ हफ्ते पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ था चीटिंग, लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने उस पर रिएक्शन दिया था, मुझे अच्छा खासा उसका रिस्पांस आया था। आप वो रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, आज के जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ वह अनुभव सिंह बासी का नया स्टैंड अप कॉमेडी वैक्सिंग। आई लव हिज क्वर्की स्टाइल, द वे ही डिस्क्राइब डे टू डे सिचुएशन। ये अपने साथ बीती जो भी रुदाद होती है बहुत कॉमिकल वे में, प्यारे तरीके से, और पब्लिक को हंसा हंसा के, और साथ में वो खुद भी हंसते हैं, तो एक जो है डबल मज़ा पैदा हो जाता है। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो देखते हैं, फिर साथ साथ में अपना रिएक्शन भी देता जाऊँगा और रिव्यू भी करेंगे। थोड़ा तो करना पड़ेगा यार, आइए वीडियो देखते हैं। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। क्या नाम है? मेरिट समझाट हूं। क्या सिंक्रोनाइजेशन है, कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। ओके, हाँ ये कोई नहीं कहता, तमीज से रहना। बस बोल दिया स्ट्रांग, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थमार्क है, लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है। सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, अब मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। अरे बाप रे, मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही है मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई, कह रही ये सब क्या करा रहे भैया। हाँ मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे, मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है, मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप, आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे। कुछ ज्यादा ही है यार ये, मैं रजाई कंधे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल है, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। बस ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। अरे वाह, मुझे उस दिन पता चला। ये सोच रहे थे ना इजी, कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है,
ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान, और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर, ये घर घर जाके मौत बेचती औरत ही है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल हो रखी है, ये घर में आई इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग, ये आई इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए, डबल मीनिंग हाँ फ्लेवर, कहती इससे करा लो इससे दर्द कम होता है, मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा, कहती इससे करा लो, मैं कहा कर दो, इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ, उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू, शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं, वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी, मैं गया मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है, कहती गूगल पे पढ़ लो, मैंने गूगल पे पढ़ा पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है, गूगल पे प्रोसीजर लिखा था, मैं कह ये तो ठीक है, मैं करो, आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार, मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई, कह रही क्या है ये एक जन्म के हैं, कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं, आंटी फटाफट करो ना, कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये, अर्बन क्लैब में फोन लगा दे, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो, सरला आंटी आई तिरपाल लेके, पहले तो सरला आंटी की फटी, उन्होंने देखा कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है, कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे, कर रहे एक मिनट रुक जा कर रहे, आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया, कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी सॉरी, इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना, इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे, उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई, ये कैसे हो सकता है, फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल, त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे, कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो, सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3 3 पे तुम मुझे खींचना मैं इसे खींचूंगा, जब ये 2 पे पहुंचे मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से, दर्द हो रहा है सीने में, कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला, मैं कहा ठीक, इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी, मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी, वो मुझसे आके बोलिए क्या कराइए, मुझे थोड़ी ना पता था,
कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूँ, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। हो, मेरे फेफड़े और सीने दोनों जवाब दे चुके हैं भाई। इतने सारे पंचेस एक कॉमेडी स्किट के अंदर, हो जबरदस्त यार। अनुभव सिंह बासी इज ब्रिलियंट। सेकंड वीडियो में उनका देख रहा हूँ और आई थिंक उनका जो लेवल ऑफ कॉमेडी गेटिंग हायर एंड हायर। हंसा हंसा के पागल कर दिया यार। एक छोटी सी सिचुएशन है, सिर्फ वैक्सिंग करवाने के लिए जाना था और उस वैक्सिंग की सिचुएशन को किस तरह से 9.5 मिनट और महल में 10 मिनट का ये पूरा स्टैंड अप कॉमेडी है, किस तरह से कॉमेडी पंचिस में डाला है, वाओ ज़बरदस्त। और एक जगह भी बोर नहीं हुआ है बंदा कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है, खींच दिया है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सबसे ज़बरदस्त पंच लाइन कि मेरी रूह मेरी निप्पल से निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कॉमेडी में अगर आप लॉजिक ढूंढोगे तो फंस ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। तो लॉजिक को रखो साइड पे, हंसने का मुकाम है, आपका खून बढ़ेगा। और इस बंदे ने तो मेरा 2 किलो खून बढ़ा दिया, इसका मतलब मेरा वज़न बढ़ गया है। ओहो, अब तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जोक सपाट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉमेडी। हो सकता है इसमें और कंटेंट हो या इसका पार्ट टू आने वाला हो, क्योंकि जिस तरह ये एंड हुआ है ऐसा लग रहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस कुछ रह गया है, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास वापस भी जाना था। लेकिन आई थिंक उसने एंड कर दिया कि उसकी रूह परवाज हो चुकी है। और बहरहाल यस, क्वाइट गुड, मज़ा आया। जो मैंने पिछले इनका स्टैंड अप कॉमेडी किया था वो भी ज़बरदस्त था, आप ज़रूर जाके देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। इसको फैला दो यार, बस फैला दो। इट्स अ ब्रिलियंट रिएक्शन, आई कैन टेल यू स्ट्रेट अवे, या इट्स टर्नड आउट टू बी अ गुड रिएक्शन। सॉरी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।